आज तक की लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है इंडिया आज तक की लाइव में। चलिए आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। आज बनासकांठा कांकरेज तालुका के रानेर में गीता जयंती समारोह 2022 के रूप में मनाया गया, यानी इसी दिन गीता जयंती समारोह 2022 हुआ। गीता को आज भी सभी हिंदू धर्मों के धर्म ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म या देवी देवताओं में आस्था रखने वाला कोई भी भक्त अपने जीवन में गीता के ज्ञान का अनुकरण करने और जीवन के तरीके के अनुसार जीने के लिए अपने जीवन काल में गीता का अध्ययन करता है। पूरे विश्व में गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता जी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इसका उद्धरण स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण ने किया था, जिसके बारे में हिंदू धर्म में भी आस्था है। ब्यूरो चीफ अमर जादव की रिपोर्ट। आ महिमा संतो भक्तो महापुरुषो गामना बधाने एकत्रित करी अने आ महिमा अमे दर आ माक्षर मासनी एकादशीना दिवसे उजवीए छीए। एटले आपणुं आ जे पर्व आगळ वधे ते माटे अमे पण सर्वने पण विनंती करीए छीए कि आ एकादशीनो महिमा आपणे उजवानो छे, सनातन धर्मनो छे अने अमे पण उजवीए छीए। एमां અમારા ગામમાં 5 વર્ષથી ઉજવાય છે, એ બદલ અમે દરેકને ઉજવવાનો આપણો સૌને ફરજ છે એવું અમે કહી રહ્યા છીએ। બોલો સદગુરુ મહારાજ કી જય। આપણો પવિત્ર જે હિન્દુ ધર્મનો સનાતન ધર્મનો જે મહિમા, જે પર્વ આપણે અનાદિકાલથી આમ તો આપણા ઋષિ મુનિઓએ જે નક્કી કરેલો છે પણ આપણે ભૂલતા જઈએ છીએ, પણ અમે અમારા ગામ રાનેરમાં